महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश में मैं दिलाशा दहिवेलकर आपका स्वागत करती हूँ। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को कहा कि किम जोंग उन ने अगले महीने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच वार्षिक युद्धाभ्यास से पहले सैन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात के दौरान किसी भी विदेश उकसावे से निपटने की क्षमताएं मजबूत करने का आह्वान किया। इसे प्यांगयोंग आक्रमण पूर्ण अभ्यास के तौर पर देखता है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट्स ने दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते मामले एक और जहां भारत में तीसरी लहर की दस्तक के संकेत दे रही है, वहीं दुनिया के कई देशों में डेल्टा कोरोना की चौथी लहर का कारण बनता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि कोरोना के डेल्टा वेरियंट्स ने मिडल ईस्ट यानी मध्य पूर्व के देशों में चौथी लहर का रूप ले लिया है और वहां कोरोना वायरस के मामलों में तेज वृद्धि की है। बता दें कि मिडल ईस्ट के देशों में टीकाकरण दर काफी कम है। पाकिस्तान के ओकारा में पुलिस ने एक बकरी के यौन उत्पीड़न और हत्या के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिससे देश में यौन हिंसा की हालिया घटनाओं पर जारी आक्रोश और तेज हो गया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक 5 आरोपी एक मजदूर की बकरी को पास के एक परिसर में ले गए और वहां उसके साथ बलात्कार किया, उसे प्रताड़ित किया, अंत में उसे मार डाला। चीन का बाढ़ से बुरा हाल है। मध्य चीन में हो रही लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ से अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है। कम से कम 5 लोग अब तक लापता है जिनकी तलाश जारी है, इस बात की जानकारी चीनी अधिकारियों ने दी है। पेगासस फोन हैकिंग विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार को शीघ्र अदालत ने पेगासस विवाद की स्वतंत्रता जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई का फैसला लिया। अदालत ने इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने की बात कही है। वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की ओर से दायरा अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। उनका पक्ष सुनने के बाद शीघ्र अदालत ने अगले सप्ताह अर्जी पर सुनवाई की बात कही। पंजाब के लुधियाना में एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने खुदकुशी कर ली है। लुधियाना में जंगपुर गांव के एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने गुरुवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। हालांकि मरने से पहले उसने कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त पंजाब प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर एक ऑडियो जारी किया, जिसमें उसने न्याय की गुहार लगाई है और कुछ लोगों को आत्महत्या का जिम्मेदार बताया है। आत्महत्या करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता का नाम दलजीत सिंह हैप्पी बताया जा रहा है। फिलहाल उसकी मौत के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश विदेश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।